अस्पताल के परिसर में कुत्ते घूमते रहे हैं। इमरजेंसी के गेट पर बाहर कुत्ते बैठे हैं, आवारा कुत्ते को झुंड इकट्ठे। अब मरीज परेशान है, प्रतिदिन 250-300 मरीज कुत्तों द्वारा काटने पे पहुंचते हैं। जानकारी मुताबिक कई कुत्ते बैठते हुए इमरजेंसी वार्ड में आए दिन खून बहाते हुए मरीज के पीछे आने लगते हैं। खून की चपेट में दिखाई देने के बाद स्टाफ और अन्य लोग भी बनी राहत। अस्पताल प्रशासन की डर बना रहता है कहीं और कुत्ते किसी मरीज को काट ना ले। शहर में आवारा कुत्तों का अवगत है, 270 मरीज कुत्ते काटने से आए हुए हैं। आपको बता दें कि CMS डॉक्टर अनेज अग्रवाल ने बताया है कुत्तों को बाहर निकालने पर फोन आया है। फोन पर कहा गया है कुत्ते को बाहर ना निकाले। इस पर कहा गया है कि कुत्ते से मरीज तो खतरा है, अस्पताल किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकता। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए विनय गुप्ता जी की रिपोर्ट, नोएडा से। नहीं, बेसिकली कार्रवाई नहीं करी अस्पताल कैंपस में, जबकि गार्ड भी तैनात है। उसके बाद भी ये लोग, मैंने देखा था अस्पताल में कुत्ते, एक आध पेशेंट के अटेंडेंट को भी इन कुत्तों ने काट लिया था, लावारिस कुत्ते थे। तो गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो कैंपस में ना घुसे, जबकि हमारे यहाँ कैटल कैचर भी मैंने गेट पे रिपेयर करा दिया था, ठीक है बिल्कुल, और फिर भी पता नहीं कैसे घूम रहे। इस बात पर मेरे पास फिर महिला बाल विकास मंत्रालय से किसी डायरेक्टर का फोन आया था कि आप इस तरह से इन लोगों को अस्पताल से बाहर नहीं निकाल सकते। उनके पास किसी ने मेल पर कंप्लेंट करी थी, जबकि मैंने उनसे ये पूछा भी था कि अस्पताल में कल वो पलंगों पे चढ़ेंगे, आज तो काट ही रहे हैं। तो पत्रकार अपने प्रॉब्लम करेंगे कि सब अस्पताल के वार्डों में कुत्ते, बोले वो तो हर अस्पताल में लावारिस कुत्ते घूमते, ये जवाब दिया। मैंने कहा आप लिख के भिजवा दो कि अस्पताल से लावारिस कुत्ते ना हटा जाए, मैं कर दूंगा। उसके बाद कोई मेल नहीं आया। उन्होंने कहा यदि आप इनको हटवाएंगे अस्पताल कैंपस से तो हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम पे कंप्लेंट पे मेल आई। कोई सम डायरेक्टर थे इस मंत्रालय के, लैंडलाइन से फोन था, लैंडलाइन उसी मंत्रालय।